मुख्यमंत्री कमलनाथ के छिंदवाड़ा के एक स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज न फहराए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में टीचर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें टीचर कह रही हैं, सरकार तो पागल है, कुछ भी नियम निकालती है। मुख्यमंत्री के गृह जिले छिंदवाड़ा में शिक्षा विभाग के हाल बेहाल है। छिंदवाड़ा से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम खकरा चौरा स्कूल का मामला सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ की शिक्षिका का कहना है, सरकार तो पागल है, कुछ भी नियम निकालती है। शाला में रोजाना राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर टीचर का यह नजरिया है। दरअसल शासकीय माध्यमिक शाला खड़का चौराई में रोजाना राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाता। इस संबंध में जब वहां पदस्थ शिक्षिका रश्मि बरकड़े से जानकारी ली गई तो उन्होंने इस नियम के लिए सरकार को ही कोसना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि सरकार तो पागल है, कुछ भी नियम निकालती है। हालांकि बाद में उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि कक्षा 8वीं से 12वीं तक शाला में राष्ट्रीय ध्वज फहराना अनिवार्य है। कि भाई आप क्या झंडा नहीं फहराओ, झंडा मिडिल में लिया, में झंडा फहरता है। हाँ। अब वो क्या है, इसको निकाल नहीं सक रहे हम लोग, पाइप पूरा नीचे से गड़ा है। नहीं तो फिर लगाने वाला पाइप है कि इसी को यहीं से लगा दो, वहीं डायरेक्ट डाल दो, ऐसा भी सिस्टम होता है। हमारे यहाँ नहीं, उसको यहाँ बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे। हमने भी संस्कृत प्रचार से बात करें, पंचायत का है तो वो बोलते हैं कि भाई नियम तो बोले प्रॉब्लम है ना भैया, पहली से नहीं। अब उन्होंने मिडिल से लेकर 12वीं तक है, पहली से प्राइमरी लगती है, पहली से 5वीं तक नहीं फहरता झंडा। उन्होंने आप ये बात याद रखिए। नहीं वो तो हम याद रख लेंगे। हाँ। वो तो हमको नॉलेज भी नहीं है, सिर्फ हमको इतना नॉलेज था ये झंडा फहरता माध्यमिक शाला में, झंडा फहराना अनिवार्य है। अनिवार्य है। तो हमने संकुल प्रचार से भाई एक बार कन्फर्म करे भाई, जानकारी हमारे नॉलेज में सही है गलत पूछिए आप, झंडा फहरता है भाई बराबर। अब कभी कभी हो जाता है ना, बच्चे नहीं यार दूसरे को नहीं, अगर सपोज दैट कोई गिर गया, सिर फूट गया, क्या करोगे? और वहाँ पूरा पत्थर पत्थर लगा है नीचे, बहुत बड़ी समस्या है। हम भी कुछ नहीं कर सकते ना, सरकार पागल जैसे नियम निकालते हैं, कुछ भी झूठ पटा। टीचर रश्मि बरकड़े का कहना है, कोई झंडा फहराने उतारने वाला नहीं है और बच्चों से ऐसा नहीं करवाया जा सकता क्योंकि दुर्घटना का डर बना रहता है। राज्य शासन ने निर्णय लिया कि प्रदेश के सभी माध्यमिक हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रतिदिन अनिवार्य रूप से राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश भी जारी कर दिए। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े से बात करने के लिए उनके दफ्तर गए तो वे ऑफिस से नदारद मिले। दूरभाष से बात करना चाहा तो उन्होंने फोन रिसीव करना उचित नहीं समझा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।